मंडी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार रामस्वरूप शर्मा ने पिछला 4 साल के इनकम टैक्स की रिटर्न ना भरकर मोदी सरकार की नीतियों की पोल खोल दी है। रामस्वरूप शर्मा ने 4 साल तक अपनी आईटीआर नहीं भरी और अब 22 अप्रैल को 4 साल की रिटर्नें भरी हैं। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां मोदी सरकार डिजिटल इंडिया का ढोल पीटती है, तो वहीं उनके सांसद रिटर्न ना भरकर सरकार की पोल खोल रहे हैं। शर्मा ने कहा कि ऐसा लगता है कि अब भाजपा को अपना उम्मीदवार रामस्वरूप पर भी विश्वास उठ गया है। कांग्रेस उम्मीदवार आश्रय शर्मा के नामांकन पर आयोजित रैली को देखकर भाजपा के पैरों तले जमीन भी खिसक गई है। इसी के चलते भाजपा ने 2 दिन बाद ब्रिगेडियर खुशहाल का नामांकन कवरिंग कैंडिडेट के रूप में करवाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 1.5 साल पहले पार्टी में शामिल हुए लोगों को पटका पहनाकर दोबारा भाजपा में शामिल करने का भी ड्रामा किया है, मगर कांग्रेस उम्मीदवार की नामांकन रैली में बल से दिग्गज नेता महंतराम चौधरी भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा के कई पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद शीघ्र ही कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा रामस्वरूप शर्मा की हार को देखते हुए बौखलाहट में भ्रामक प्रचार करने में लगी है कि अगर रामस्वरूप हार गए तो मंडी से सीएम पद चला जाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधानसभा का नहीं लोकसभा का चुनाव है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से लोग 2022 में उनके कार्यों का हिसाब मांगेंगे, अब तो केवल सांसद से उनके कामों का हिसाब मांगा जा रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री को सांसद की नाकामियों का बोझ ढोना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे किन्नौर जिला के रहने वाले गुमान नेगी का कहना है कि केंद्र से आने वाले फंड का धरातल पर सही इस्तेमाल नहीं होता है, खासकर सड़कों के निर्माण और उनकी दशा सुधारने के लिए पैसा मकूल होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग में बतौर अधिशासी अभियंता वे काम कर चुके हैं और किस तरह से धन का उपयोग होना चाहिए वे जानते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र से मिलने वाला धन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट का फंड ईमानदारी से प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए वे चाहते हैं कि लोकसभा क्षेत्र में पहुंचकर जनता का पैसा जनता के कल्याण और हित में खर्च हो, ऐसा वे सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के लोगों को चाहे वन अधिकार अधिनियम हो या फिर नौतोड़, ईमानदारी से अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उनके अधिकारों की वे पैरवी करेंगे। सिंगी राम सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए हैं। उनके साथ कई पंचायत प्रधान और पंचायती राज से जुड़े लोगों ने भी भाजपा का दामन थामा है, इससे भाजपा को अवश्य लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि लोग केंद्र में मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा देखना चाहते हैं, इसलिए भाजपा से जुड़ रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता शशिदत्त ने कहा कि किन्नौर के सांगला में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए 1 मई को पहुंच रहे हैं। गडकरी का हिमाचल के प्रति उदारता के कारण उम्मीद से अधिक नेशनल हाईवे मिलना है। उन्होंने बताया कि गडकरी के किन्नौर दौरे को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के रामपुर विधानसभा हलके के दौरे के दौरान रामपुर कांग्रेस के लिए पीड़ादायक ये दौरा साबित हुआ है।
भाजपा वरिष्ठ नेता एवं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की रामपुर विधानसभा हलके के ननखड़ी में आयोजित जनसभा में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने वालों की लाइन देखने को मिली। इसमें प्रमुख रूप से 6 बार के रामपुर का विधायक रह चुके पूर्व मंत्री सिंगी राम का विधिवत भाजपा में शामिल होना भी रहा। इसी तरह रामपुर नगर परिषद की पूर्व अध्यक्षा मीना कुमारी सहित कुछ पंचायत प्रधान और पंचायत समिति के सदस्यों ने भी ननखड़ी में आयोजित सभा के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष भाजपा में शामिल होने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया और भगवा पटका पहनाया।